ले जी सलाम अलैकुम। नहीं आपकी पिक्चर नहीं आती ना, दोस्त साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरी पिक्चर नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा जी ओके नहीं आएगी। सलाम अलैकुम ना दोस्त, आप है खैरियत से होंगे। अच्छा ये सेम जगह वो वीडियो में नज़र ही आ जाती है कि जगह चेंज नहीं है, वही जगह। ये इनके कुछ ना परवाजी कबूतर निकाले हैं, बेसिकली परवाजी कह लें या परवाजी ब्रीडर मिक्स कह लें, एक ही बात है। इसमें परवाजी भी हैं, इसमें ब्रीडर भी हैं, लेकिन होता इस तरह से है कि बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता, ये टाइम की किल्लत की वजह से जा रहे हैं बेसिकली कबूतर। टाइम नहीं होता तो कबूतर अंदर पड़े पड़े बच्चे पट्ठियाँ पट्ठे बन जाते हैं, जवान हो जाते हैं। ये सारे के सारे इसमें जितने भी पट्ठियाँ पट्ठे हैं ये अंदर रह के जवान हुए हैं, इनमें उड़ा हुआ कोई नहीं है, लेकिन हैं ये परवाज के काम के और बड़े अच्छे काम आएंगे। बल्कि इनमें 5-7 पीस ऐसे भी निकलेंगे जो ब्रीडिंग के भी काम आएंगे। अब ये जगह थोड़ी सी इनके हिसाब से ये तंग पड़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना ये लहदा लहदा नज़र आ जाए। इसमें सियालकोटी बटेरे कबूतर हैं और काले, मैंने जो आपको एक वीडियो में शौक करवाया काले जीरे गहरे, उनमें से भी निकले हुए कबूतर। ये देखे ना ये बच्चे हैं दो, और ये भी 5-5, 6-6 कली पे ये भी पहुँचे हुए, दो बच्चे ये हैं, गोल्डन है, बड़े अच्छे गोल्डन बने हुए। मैं सिर्फ आपको एक एक ब्रीड का शौक थोड़ा सा करवा दूँगा जो कि इनके मेन हैं, बाकी जिस दोस्त को समझ लगती हो ये काम आएंगे उनके। जिनका एक तो नॉर्मल सा शौक रख के जोड़े जोड़े बनाते हैं तो ये इसमें जोड़े भी बन जाएंगे और परवाज़ों के भी काम आ जाएंगे। अब परवाज़ी निकालने हैं तो परवाज़ों के भी इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। जोड़े भी बहुत अच्छे, अगर गोल्डन किसी ने बनाने होंगे, ये देखना दो पीस गोल्डन फिर रहे हैं बिल्कुल सेम, बल्कि गोल्डन 3-4 पीस हैं जो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, इकट्ठे निकले हुए। अब ये बच्चे बड़े हो गए, यहाँ पे बारी इनकी आई, कोई नहीं उड़ाए हैं ना इन्होंने, ना उड़ाने का कोई इतना टाइम था। बहरहाल शौक ख़त्म हो रहा है, वो आपके सामने बाकी कबूतर आपने देख लिए थे, परवाज़ियों का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। मेरे हाथ में ना जीरा ही आया पहले, इसी का पहले आप शौक कर लें, बाकी मैं साथ साथ जितने मुझे समय लगते हैं ना। अरे बड़े अच्छे साफ आंखों के कबूतर हैं सारे, ये उड़ेंगे भी इंशाल्लाह, अब ब्रीडिंग में भी काम आएंगे इनमें काफ़ी सारे पीस। आगे हर बंदे की अपनी एक अकल समझ होती है, जिसको जिस तरह समझ आए ना वो इनमें से इस्तेमाल कर सकता है। अब ये देखें नील दुम्बा कबूतर है, ये नील दुम्बा कबूतर है पूरा पूरे साइज में, इसका ये आप पार्कों का देखें, इसका फीडर बड़ा बारीक है, बिल्कुल इसके आर पार नज़र आता है इतना वो बारीक फीडर, बड़े वजूद का और सारा एक जैसा बना हुआ। नील दुम्बा बहुत अच्छा कबूतर है, ये देखें गोल्डन जितने भी पट्ठी पट्ठी हैं ना सारे ही बहुत अच्छे हैं। इस तरह के गोल्डन अजान हो रही है, टाइम हो गया अजान का, और मज़ीद जिस दोस्त को समझ लगती है ना वो रास्ता कर सकता है। मैं थोड़ा सा ना एक और ही खाना दे देता हूँ, ये बटेरों का आपको मैंने शौक नहीं कराया, दो बटेरे नारे इसके अंदर बड़े शानदार नारे, ये तो देखे ना कैसे चमक दमक रहे हैं कबूतर।